नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सोनू और आपका स्वागत है मेरे चैनल मैनी क्रिएटिव आइडियाज में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपकी भी वॉशिंग मशीन में पानी स्टोर नहीं हो रहा है, उसमें से पानी निकल रहा है, तो आप इसको कैसे ठीक करें। तो जानने के लिए मेरी इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक पूरा देखते रहिए। और उससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने वॉशिंग मशीन को क्लीन करना बताया था, तो अगर आपने वह वीडियो नहीं देखी है तो आप ऊपर आई बटन पर क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। सबसे पहले दोस्तों, आपको क्या करना है, आपकी वॉशिंग मशीन के पीछे जो कवर लगा है इसके सभी स्क्रू आपको खोल लेने हैं और फिर आपको इसके कवर को अच्छे से निकाल लेना है। अब देखिए दोस्तों, यह इसका ड्रेन वाला पाइप है, तो इसमें दोस्तों यह एक रबड़ लगी रहती है, तो उसे हमको सबसे पहले बाहर निकालना है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए आपको इसके ऊपर यह जो ढक्कन लगा रहता है इसे आपको खोलना है। तो दोस्तों, अब आप देख सकते हैं कि इसकी रबड़ पर कितनी गंदगी जमी हुई है, जिसके कारण दोस्तों इसमें पानी नहीं रुक रहा है। तो सबसे पहले मैं इस रबड़ को बाहर निकाल लेता हूं। और आप देखिए इसके पाइप में भी कितनी गंदगी जमी हुई है, तो इन दोनों को मैं अच्छे से पहले साफ कर देता हूँ। अब देखिए दोस्तों, मैंने इस रबड़ को और इस पाइप को अच्छे से साफ कर दिया है। और अगर रबड़ और पाइप को साफ करने के बाद भी दोस्तों अगर आपके मशीन में पानी नहीं रुक रहा है, तो आपको इस रबड़ को चेंज करना पड़ेगा। यह रबड़ दोस्तों खराब हो जाती है, जिसके कारण इसमें पानी स्टोर नहीं होता है। अगर दोस्तों आप इस रबड़ को ऑनलाइन परचेस करना चाहते हो, तो वीडियो के नीचे मैंने उसका लिंक दे दिया है, वहाँ से इसको खरीद सकते हैं। तो आपको इस दोस्तों साइज का ध्यान रखना है, यह रबड़ अलग अलग साइज की आती हैं, तो आपको अपनी रबड़ का साइज पहले देख लेना है, वह कितने साइज की है, उसी हिसाब से आपको ऑनलाइन इसको परचेस कर लेना है, खरीद लेना है। अगर आप चाहे तो इसका पूरा सेट भी मंगा सकते हैं, और नहीं तो आप केवल इसकी रबड़ भी खरीद सकते हैं। तो मैंने इन दोनों को अच्छे से साफ कर दिया है, और मैं इसमें इसको अच्छे से फिक्स कर देता हूँ। तो फिक्स करने के बाद दोस्तों, हमारी मशीन में से पानी नहीं निकल रहा है, मैंने चेक कर लिया था। और अगर आपकी मशीन में पानी निकल रहा है तो आप रबड़ को जरूर चेंज कर दीजिए। तो अब मैं इसके कवर को लगा देता हूं और सभी स्क्रू को मैं अच्छे से कस देता हूं। अगर दोस्तों आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मेरी वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।